क्या आपने कभी सोचा है कैसे कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट्स बना लेते हैं, वो भी मार्केट ओपन होने के कुछ मिनट्स में? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू कैसे आप फर्स्ट फ्यू मिनट्स का एडवांटेज ले सकते हैं एंड मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। सो वीडियो में बने रहना एंड तक। हेलो ऑल माई लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के द्वारा आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। सो पहले हम समझते हैं कि क्यों ये फर्स्ट आवर जो होता है वो क्रिटिकल क्यों होता है, कि जो जब मार्केट ओपन होता है तो इसका जो फर्स्ट आवर होता है। मैं सब कुछ आपको चार्ट्स पे भी लाइव दिखाऊंगी, पहले हम थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। ये फर्स्ट आवर जो होता है ये इतना क्रिटिकल क्यों होता है, क्रिटिकल मतलब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, राइट? आखिर इसका रीज़न क्या होता है, फर्स्ट आवर इतना क्रिटिकल होने का रीज़न क्या होता है? तो इसका रीज़न ये होता है क्योंकि फर्स्ट आवर जो मार्केट का होता है ना, उसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। फर्स्ट आवर में आपको हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, हाई वोलेटिलिटी होती है, देन आपको हाई लिक्विडिटी भी होती है। जो आपकी लिक्विडिटी होती है ये भी काफ़ी हाई होती है, राइट? ये होता है फर्स्ट आवर में, इसीलिए ये काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है जो हमारा फर्स्ट आवर होता है। तो आप के वीडियो में ऐसे स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे आप भी मार्केट ओपन होने पर आप भी ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि अक्सर हम सोचते ना कि मार्केट ओपन हो गया हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो आज आप ट्रेड कर पाओगे। तो पहले हम समझते हैं कि अब तो फर्स्ट आवर के पहले हम समझते हैं कि वाई फर्स्ट 15 मिनट, वाई फर्स्ट 15 मिनट, आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, ओके? वाई फर्स्ट 15 मिनट मैटर्स, मतलब कि पहला जो 15 मिनट होता है वो क्यों इतना मैटर करता है, पहले हम ये समझते हैं, ओके? मान लो मार्केट ओपन हुआ तो पहला जो 15 मिनट होता है वो इतना मैटर क्यों करता है? तो इसका रीज़न ये होता है ना, मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग बेल हम समझेंगे। ओपनिंग बेल आप समझ गए ना, मार्केट जब ओपन होता है तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग बेल ये हम समझते हैं। ओपनिंग बेल कुछ नहीं है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। ओपनिंग बेल का मतलब वही मार्केट जो हमारा ओपन होता है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका एक ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस पर इम्पैक्ट पड़ा रहता है ओवरनाइट न्यूज़ का। कुछ मान लो किसी स्टॉक में अगर ओवरनाइट न्यूज़ आया हुआ रहे तो उसका इम्पैक्ट आपको फर्स्ट 15 मिनट्स में ही दिखता है। एक तो ये होता है फर्स्ट, इसका रीज़न ये होता है। सेकेंड, फिर US का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। US मार्केट में जैसा भी कल का जो भी रहेगा उसका हमें फर्स्ट 15 मिनट में इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ओपनिंग बेल में इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि इसमें ओवरनाइट न्यूज़ का इफेक्ट हमें दिखता है, यूएस इफेक्ट का हमें यूएस इफेक्ट हमें दिखता है, राइट? सो अब बात करते हैं कि कैसे प्रो ट्रेडर्स जो हैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। जो भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसका प्रो ट्रेडर्स कैसे फ़ायदा उठाते हैं, प्रो ट्रेडर्स इसको कैसे ट्रेड करते हैं। ये प्योरली इंट्राडे में आप कर सकते हो, ये इंट्राडे की ही स्ट्रैटजी है। तो प्रो ट्रेडर्स इसको कैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं, राइट? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो लोग करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो वो लोग करते हैं प्री मार्केट प्रिपरेशन। हमें ऐसा लगता है ना इंट्राडे में ट्रेड करना है तो हमें डायरेक्ट हमें इंट्राडे पे ही जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको प्री मार्केट प्रिपरेशन करना होता है, जो प्रो ट्रेडर्स करते हैं आपको ये करना होता है, जो प्रो ट्रेडर्स करते हैं अगर आपको ये ट्रेड करना है तो प्री मार्केट प्रिपरेशन करना होता है। अब इसमें क्या आता है, प्री मार्केट प्रिपरेशन में क्या आता है, इसको इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो होता है, फर्स्ट क्या मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है मेकिंग स्टॉक बकेट, मेकिंग स्टॉक बकेट। फॉर टुमारो ये इसका पार्ट होता है, प्री मार्केट प्रिपरेशन का ये पार्ट होता है, मेकिंग स्टॉक बकेट फॉर टुमारो, ओके? अब हम देखते हैं ये इसका ही पार्ट, ये प्री मार्केट प्रिपरेशन में यही हमारा आता है कि हमें कल के लिए पता होना चाहिए हमें पहले कि हमें कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है। तो मेकिंग स्टॉक बकेट फॉर टुमारो आपको ये करना होता है। प्लीज़ थोड़ा बाहर की नॉइज़ को इग्नोर करना आप लोग, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो। वो फेस्टिवल था ना इसीलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये देखो इसमें सबसे फर्स्ट आता है आप कैसे इसको आप स्टॉक बकेट को कैसे बनाओगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है आप ट्रेंड फिल्टर करके आप अपने स्टॉक्स निकालोगे, जितना छोटा उतना अच्छा, आपका स्टॉक बकेट जितना छोटा लेस इज गुड,
राइट, तो आप ट्रेंड फिल्टर करके निकालोगे अपने स्टॉक बकेट में, आप स्टॉक्स निकालोगे ट्रेंड फिल्टर करके, देन आप ऐसे स्टॉक्स को छाटोगे नॉट टेकिंग स्टॉक्स इन विच नेक्स्ट डे न्यूज इज कमिंग, इन विच नेक्स्ट डे न्यूज इज कमिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे स्टॉक्स को अपने बकेट में एकदम नहीं रखना है जिसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि न्यूज़ आ रहा हो। न्यूज़ में क्या क्या होता है, न्यूज़ मतलब कोई मान लो अर्निंग रिपोर्ट आ रही हो, कोई अर्निंग रिपोर्ट आ रही हो, या फिर कुछ भी होता है ना, बल्क बल्क ट्रेड का कुछ हो, उसमें कोई न्यूज़ हो, या कोई भी अदर न्यूज़ हो, कोई कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यूज़ हो, किसी भी तरह का अगर न्यूज़ कि उसमें आ रहा हो ना कल आने वाला हो, आपको उस केस में उस स्टॉक को अपने बकेट में ऐड नहीं करना है, राइट। एंड थर्ड जो होता है वो आप करोगे स्टॉक हीट मैप से। स्टॉक हीट मैप मैंने आपको सिखाया है, मैं आपको आज भी दिखाऊंगी स्टॉक हीट मैप। इसके बेसिस पे फिर आप, ये फाइनल फिल्टर हमारा होता है, ये स्टॉक हीट मैप वाला जो फिल्टर होता है ये हमारा फाइनल फिल्टर होता है। ये आप सुबह में करोगे स्टॉक हीट मैप का, बट ये दोनों आपको रात में ही करके रखना है। ये दोनों इस तरह से आप अपने स्टॉक के बकेट बनाओगे। अगर आप, हमने इस पर आपको डिटेल वीडियो बिल्कुल दे रखी है स्टॉक कैसे आप निकालोगे उस पर, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है जिससे आप, अब आपको स्टॉक लिस्ट तो मिल गया, मैं बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक वे में जा रही हूँ, अब आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप ट्रेड कर सकते हो इसको। आपको तो स्टॉक का लिस्ट मिल गया, पहले पता चल गया कहाँ कहाँ आपको ट्रेड करना है, अब आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हो। तो एक आता है हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग, इससे आप इसको ट्रेड कर सकते हो, मोमेंटम ट्रेडिंग एक होता है आपका। दूसरा होता है गैप स्ट्रैटेजी। आप बोलोगे मोमेंटम ट्रेडिंग पे हमने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, तो आपने अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, उसका भी लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। दूसरा होता है गैप स्ट्रैटेजी, इस पे आप बोलोगे तो आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। एंड थर्ड होता है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ये भी आपको पता ही है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो ये तीन तरह से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो मोमेंटम वाले पे हमने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, जाके देखो फटाफट से आई बटन पे, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसको आप ज़रूर ट्राई करो। मोमेंटम स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने आपको दे रखी है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हो गई जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो अब हमने पहले हमने सीख लिया कि कैसे हमारा स्टॉक का बकेट बनेगा, देन हमने सीख लिया स्ट्रैटेजीज क्या क्या होंगी। अब हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट। तो जो पुराने लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं लास्ट 7 मंथ से, उनको तो ये बहुत ही अच्छे से पता है। आई एम श्योर वो लोग देख देख के खुश हो रहे होंगे कि उनको ये चीज़ पता है, बट नए लोग जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये बता दूँ, रिस्क मैनेजमेंट आता है देन कम्स रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपको रिस्क को अपने मैनेज करना है, आपको ऑलवेज सेम रिस्क लेना है, 1:2 का टारगेट फॉलो करना है, क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं लेना, ओवर आपको क्वांटिटी नहीं लेनी है, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। तो जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का शीट है। मैं ये सारी चीज़ें आपको चार्ट पर दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो ये देखो रिस्क मैनेजमेंट का शीट है जो हम यूज़ करते हैं पर्सनली, आपके लिए भी हमने ये ओपन करके रखा हुआ है, इसमें सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। इसमें देखो जो भी आप डालोगे ना, ये देखो सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, आपका इसमें ऑटोमेटिकली रिस्क कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो देखो इसका 0.5% रिस्क यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये शीट अगर आपके पास नहीं तो फटाफट से ले लो, ये शीट आपको हेल्प करेगा, रिस्क मैनेजमेंट जो आपका है वो बिल्कुल ऑटोमेट हो जाएगा अगर आप हमारी शीट को यूज़ करते हो। तो आप किसी को भी फॉलो करो, आप इसको हमसे ले लो, आप अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। ओके, अब हम समझते हैं चलो मिस्टेक्स के बारे में, क्योंकि मिस्टेक्स तो आप करोगे ही, राइट। क्योंकि आप क्या, मतलब मैं भी मिस्टेक्स करती हूँ, मैं हर दिन मिस्टेक्स करती हूँ, हर दिन उससे सीखती हूँ। तो मिस्टेक्स में आप, हम इसमें क्या करेंगे जो हमें नहीं करना है, वो आएगा ओवर लेवरेजिंग। ओवर लेवरेजिंग का मतलब आपका ब्रोकर जो है वो आपको मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आपका अगर 50,000 का कैपिटल है, आप अगर 50,000 कैपिटल से ट्रेड करो तो वो आपको इस पे ना, इससे ज़्यादा का ट्रेड करने का आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसी को हम लेवरेजिंग कहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है एज अ बिगनर। आपके पास अगर 20,000 का कैपिटल है सपोज, तो आपको इसी से ट्रेड करना है, आपको इतने ही कैपिटल से ट्रेड ही करना है। आपका अगर मान लो 30,000 का कैपिटल है तो आपको इसी से ट्रेड करना है, आपको लेवरेज बिल्कुल नहीं करना है। ये वाला जो मिस्टेक है आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करना है, आपको लेवरेजिंग पे नहीं जाना है। इस वजह से क्या होता है ना, हम ज़्यादा का जितना हमारे कैपिटल नहीं रहता उससे ज़्यादा का हम ट्रेड कर लेते हैं, देन हमें होता है
बिग लॉस, और फिर हम ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोल के छोड़ देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, राइट। और सेकंड मिस्टेक जो हम करेंगे वो करेंगे नॉट नॉट स्टिकिंग टू आवर प्लान। जो भी हमने सीखा है कि कैसे कैसे आपको करना है, ये स्टेप बाय स्टेप जो हमने सीखा है कि पहले स्टॉक बकेट लिस्ट बनाना है, कैसे बकेट में ऐड करना है, देन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, देन रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो ये आपका प्लान हो गया, आपका ट्रेडिंग प्लान हो गया। तो आप जो मिस्टेक करोगे वो करोगे नॉट स्टिकिंग टू प्लान। आप ये प्लान से भटक जाओगे, आप रात में बैठ के आप प्रिपरेशन नहीं करोगे प्री मार्केट, आप डायरेक्ट आ जाओगे ट्रेड करने के लिए, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना। तो ये हमने देखा कि कैसे आप जो है फर्स्ट मार्केट ओपन होने के बाद आप ट्रेड की प्रिपरेशन कर सकते हो और आप उससे अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अब हम इसको चलो चार्ट्स पे देखते हैं, आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लेना। अब हम इसको लाइव चार्ट पे देखते हैं, ओके। तो देखो स्टॉक हीट मैप की जो मैंने बात की थी, इस वाले की जो मैंने बात की थी स्टॉक हीट मैप की, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ आज फिर से। एक बार मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, तो ये देखो स्टॉक हीट मैप है हमारा, इसको आप ओपन आराम से कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे। आप सर्च करो गूगल पे स्टॉक हीट मैप लिख के, वो आपका सर्च हो जाएगा। तो देखो आज आपको देख के समझ में आ रहा है, फिनेंस देखो आपका बहुत अच्छा ग्रीन में है, जितने भी फिनेंस के स्टॉक्स हैं बहुत अच्छे ग्रीन में है। आईटी देखो आपको बिल्कुल रेड में दिख रहा है, आज आईटी बहुत डाउन था। एनर्जी आपको रेड में दिख रहा है। यहाँ पे देखो एफएमसीजी जो है वो न्यूट्रल है। तो फटाफट से बताओ आप लोग किस में बाई के ट्रेड्स करोगे, किस में आप शॉर्ट के ट्रेड्स करोगे। अगर आप ये स्टॉक हीट मैप देख रहे हो, मान लो आपके फिल्टर में यहाँ पे आपने जो स्टॉक फिल्टर निकाला, आपका जो स्टॉक बकेट है, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए, मुझे सबका आंसर चाहिए, ओके। उसमें मान लो आईटी के भी स्टॉक है, एफएमसीजी है, बैंकिंग एंड फिनेंस है, वही बैंक एंड फिनेंस दोनों। तो आपके पास ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो आप जब स्टॉक हीट मैप खोल के देख रहे हो, तो इसमें आप इसके बेसिस पे आप किसमें बाई करोगे, किसमें शॉर्ट करोगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताओ, उसके बाद आप आंसर देखना। तो देखो इससे हमें समझ में आ गया कि आईटी में आपको जो है वो शॉर्ट के ट्रेड ढूंढना है, आपको इसमें बाई का ट्रेड नहीं ढूंढना है, राइट। एफएमसीजी में जो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि एफएमसीजी न्यूट्रल दिख रहा है। बैंकिंग एंड फिनेंस में आपको बाई का ट्रेड ढूंढना है, आपको इसमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं ढूंढना है, क्योंकि स्टॉक हीट मैप पे आपको ये क्लियर दिखा रहा है कि ये जो है आज का बहुत अच्छा ग्रीन में रहा है ये सेक्टर, एंड ये आपको सुबह में ही दिखा देगा जब मार्केट ओपन होगा, फर्स्ट 15 मिनट्स में ही आपको दिखा देगा, राइट। जो भी होना रहता है वो फर्स्ट 15 मिनट्स में ही हो जाता है, उसके बाद दिन भर ये वैसा चेंज नहीं होगा। तो ये देखो इससे आपको समझ में आ गया कि आपको एफएमसीजी में कुछ नहीं करना है, तो आपका बकेट और भी छोटा हो गया। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है ना, लेस इज सो गुड, जितना लेस जितना छोटा आपका बकेट उतना अच्छा। तो अब आपको अगर आपको अब दोनों अब आता थी कि ये शॉर्ट भी करना है बाई भी करना है, तो नहीं, आपको या तो शॉर्ट करना है या तो बाई करना है। तो अगर मान लो आप बाई प्रीफर करते हो, तो आप सिर्फ बैंकिंग एंड फिनेंस खोल के उसको उसमें अपना सेटअप ढूंढोगे, एंड अगर आप शॉर्ट प्रीफर करते हो, तो आप सिर्फ आईटी के स्टॉक्स खोल के आप उसमें शॉर्ट का सेटअप ढूंढोगे। तो देखो कितना इजी हो गया आपका जो ट्रेडिंग जो है, कितना इजी हो गया। पूरे निफ्टी के 500 लिस्ट में आपका स्टॉक बकेट कितना छोटा हो गया, एंड ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी का भी होता है, राइट। मैं आपको अगर खोल के दिखाऊं, मान लो चलो हम टीसीएस अगर देखें, रैंडम में ऐसे ही देख रही हूँ स्टॉक खोल के, तो देखो टीसीएस में अगर हम देखें, देखो कितना ब्यूटीफुल आपको आज शॉर्ट का सेटअप मिला यहाँ पे। देखो मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कितना अच्छा शॉर्ट का सेटअप मिला, देन यहाँ पे देखो कितना अच्छा शॉर्ट का सेटअप मिला, देन यहाँ पे देखो कितना अच्छा शॉर्ट का सेटअप मिला। मैंने रैंडम ही बस टीसीएस खोल दिया, मुझे तो पता भी नहीं था किसका क्या परफॉर्मेंस है, मैंने ऐसे ही खोल के आपको दिखा दिया। अगर इन्फी की बात करें, क्यों इसमें शॉर्ट का सेटअप ढूंढा मैंने, आपको पता चल गया ना स्टॉक हीट मैप में, देखो ये आपको क्लियर दिख रहा है कि यह फॉलिंग था। तो इन्फी में देखो, इन्फी में तो आपको सेटअप ही नहीं मिला, सेटअप पे ट्रेड नहीं मिला। एंड जस्ट अपोजिट अगर हम देखें इन सारे में देखें, अगर हम चलो हम देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक में देखते हैं, इसमें आपको देखो बाई के सेटअप मिले या नहीं देख लेते हैं हम। तो देखो वाओ ब्यूटीफुल आईसीआईसीआई बैंक में देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यार देखो कितना ब्यूटीफुल चला है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको अच्छी स्ट्रैटेजी कोई सिखा सकता है। ये देखो बिल्कुल आपको दो ट्रेड यहाँ पे मिले, देन उसके बाद देखो यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिले। ये 1-2 o'clock का ट्रेड है, तो ठीक है इतने लेट से आप ट्रेड नहीं करोगे। ये फर्स्ट आवर में, क्योंकि आज का हमारा वीडियो फर्स्ट आवर में ट्रेडिंग का है, तो ये देखो यहाँ पे ही मार्केट ओपन होने के बाद आपको दो ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज मिली। लाइव मार्केट में देखो बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखता, थोड़ा सा आपका मूविंग एवरेज से दूर था, थोड़ा 19-20 था, बट क्योंकि ये स्टॉक हीट मैप पे अगर आप इतना देख ले पा रहे हो, तो आप ये ट्रेड आराम से कर सकते थे। दोनों अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी थी,
सो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका इम्पोर्टेंस, एंड जो हमने आज ये बात की तो इसको प्रॉपर फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया है वैसे ही फॉलो करो, कोई शॉर्टकट में नहीं जाना। आपको श्योर आप प्रॉफिटेबल बनोगे, आपको इंट्राडे में इसमें बहुत हेल्प मिलेगी ट्रेड करने में, एंड ये स्टॉक हीट में आपको भी ज़रूर यूज़ करना। ओके सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट आपके पास नहीं है तो हमसे ले लो, एंड ये ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट की शीट आपके पास नहीं है तो हमसे ले लो, एंड ये ट्रेडिंग जर्नल है इस पर हमने आपको डिटेल्ड वीडियो दे रखी है, तो नहीं देखी है तो जाके देखो अभी के अभी, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री फैसिलिटी मिल रही है कि आपको हमारी टीम जो आपके ट्रेड्स चेक करके आपको फीडबैक देगी। तो जाके आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट से देखो इसकी वीडियो, एंड फिर ये वाली शीट भी आप हमसे लेके हमें सेंड करो। अभी तक हमें 12 ही जर्नल मिले हैं, तो हमें पूरे 1250+ जो मेंबर्स हैं इस चैनल पे, हमें सबके जर्नल चाहिए। तो आपने अगर अभी तक नहीं सेंड किया तो बनाना स्टार्ट करो, एंड फटाफट से हमें सेंड करो, हमारी टीम बिल्कुल वेट कर रही है आपके ट्रेडिंग जर्नल को चेक करने का। ओके बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसका फ़ायदा उठाओ, इसको हाथ से जाने मत दो। तो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।